राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं, तो वहीं सभी पार्टियां पूरी दारमदारी ठोकने में लगी हैं। विधायक के टिकट के लिए उम्मीदवार नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, तो पार्टी की तरफ से भी तरह तरह के सर्वे करने की प्रक्रिया की जा रही है। हालांकि टिकट किसको मिलता है यह देखना होगा, लेकिन आज हम लोगों का मत जानने के लिए पहुंचे हैं अलवर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। यहां हमारे साथ ग्रामीण हैं, लोग हैं जिनसे जानेंगे कि ग्रामीण विधानसभा लोग विधानसभा सीट पर क्या काम हुए जो होने चाहिए थे और क्या काम नहीं हुए जिनकी लोगों को उम्मीद थी। सीधा जुड़ते हैं लोगों से। आपका क्या नाम भाजी? मेरा नाम जय किशन है और अकबरपुर मंडल अध्यक्ष कांग्रेस। जय किशन जी, क्या लगता है क्षेत्र में क्या कामों की जरूरत थी जो होने चाहिए थे और क्या नहीं हुए? देखो, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी सी पहले जो आपने जो चैनल पे भी ले रहे थे, जब कांग्रेस का शासन था, सिर्फ मैं कॉपरेटिव की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण कर्ज माफ किया कॉपरेटिव का। उससे पहले बीजेपी ने कॉपरेटिव माफ की तो सिर्फ एक पैमाना लगाया। अगर ये गलत हो तो बिल्कुल कोई भी बता दे। उसने पैमाना लगाया इतना से ऊपर किसी की है, 8 बीघा से ज़्यादा है उसका, बहुत कम सीमित पैसा माफ किए। ये तो रही एक कर्जा माफी की बात धरातल की। अब रही जो विकास की बात, अगर आप इनकी भी करबो चाहो तो मैं साथ चारों तरफ जो ग्रामीण में जो हम बात करते हैं अलवर ग्रामीण, दो पंचायत समिति हैं, दोनों पंचायत समिति में आप धरातल पे जाइए, धरातल पे जा रहे हैं आप, जितनी पंचायतें अगर उतना ही करोड़ रुपया यहाँ का जो मंत्री है टीका राम जूली वो उसका विकास का मिले तो आप मान जाना नहीं, हमें झूठा मान लेना आप। विकास की बात कही, सबसे बड़ी बात आती है मूलभूत सुविधाएं। लगातार हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ मूलभूत कहीं पानी की दिक्कतें हैं, कहीं और दिक्कतें। आपके विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत क्या दिक्कतें हैं? नहीं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की कोई मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और किसी भी तरीके की किसी प्रकार की ना पानी की समस्या है ना बिजली की समस्या है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा माननीय मंत्री महोदय टीकाराम जूली जी के जो अंडर में जो मंत्रालय सामाजिक एवं आधिकारिता मंत्रालय आ रहा है, उसमें कल आपने सर्वे में भी देखा होगा, आपके पश्चिम इंडिया न्यूज नहीं दिखाया था, जहाँ पालन आर योजना बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर 2340 करोड़ रुपए हुआ करते थे, वो भड़क के पालन आर योजना एकदम से 8660 करोड़ रुपए वहाँ पहुँच गया। उसके बाद में ओल्ड पेंशन स्कीम का 2300 कुछ करोड़ रुपए बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ करता था, वो सीधा पहुँच के 12000 कुछ करोड़ रुपए पे वो पहुँच गया। उसके बाद में हम अब दिव्यांगों की बात करेंगे, जहाँ पोजीशन ये हुआ करती थी कि जहाँ ये 1000 स्कूटी बांटते थे, आज कांग्रेस गवर्नमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री मोदी और टीकाराम जूली जी ने वो ग्राफ बढ़ा के एक रूस ग्राफ पे काम करके और उसको लगभग मेरे हिसाब से लाखों की संख्या के अंदर दिव्यांगों को स्कूटी दी गई है। और रही अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बात, यहाँ टोटली धरातल पे काम हुआ है। आप यहाँ देखिए 4 कॉलेजेज यहाँ चालू हो गए, सैनिक स्कूल यहाँ चालू होने की बिल्कुल कगार पे है, यूनिवर्सिटी हल्दीना के अंदर खोल दी गई है, 3-3 नगर पालिकाएँ यहाँ बना दी गई हैं, उमरैन का अंदर स्टेडियम का जो निर्माण है नवयुवकों के लिए वो यह कर दिया गया है, और लगभग जहाँ पे भी आप देखेंगे पानी और लाइट की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ बोरिंग की व्यवस्थाएं की गई है। अभी चांदोली के अंदर भी कल दिखाया जा रहा था, वहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी पानी की वहाँ नए 2 ट्यूबवेल करवाए गए हैं। तो लगभग मूलभूत सुविधाएं अलवर ग्रामीण और मैं तो पूरे अलवर शहर की बात करूँगा, पूरे ज़िले की, लगभग जितना कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है वो कभी आज तक हमको बीजेपी गवर्नमेंट में देखने को नहीं। हमारे साथी ने पूरे डेवलपमेंट की पूरी लंबी चौड़ी एक किस्त गिनाई कि बहुत सारे काम हुए, क्या लगता है और क्या होना चाहिए था? तो ऐसा है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी पहले जीएसएस की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की बड़ी दिक्कत रहती है। जो हमारे कांग्रेस अब मंत्री जी हैं उन्होंने 3-3 जीएसएस स्वीकृत कराए, परसा के पास पंचायत वहाँ पर जीएसएस स्वीकृत कराया है, बकतपुरा पंचायत डैलावास में वहाँ भी जीएसएस स्वीकृत कराया है। रोड की भी जो बातें हैं, कहीं रोड की दिक्कत आती थी वो भी रोड स्वीकृत कराएं, पुलिया भी हमारे एक गांव के लिए रास्ते में जाते थे तो दूर से आना पड़ता था उनके लिए एक पुलिया का निर्माण भी चालू करवाया है, और सिली सीड जो रोड है उसको छोटा रोड था पहले उसको बड़ा कराया है, 22 फुट तार कोल डलेगा उस पार पार पूरा, कुछ डल भी गया है कुछ और रह रहा है थोड़ा सा, वो भी काम चल रहा है। लगातार जो साथी लोग हैं उनका कहना है कि बहुत काम हुए। महिला सुरक्षा को बात करें, पूरे प्रदेश में राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 है, क्या लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। 4.5 साल से जितनी घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ शायद मेरे जीवन में तो कभी नहीं होंगी। बेटियों को भट्टी में जलाया जा रहा है, तेजाब छिड़क के जलाया जा रहा है, बहन बेटी कांग्रेस सरकार में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है।
कांग्रेस सरकार में सुरक्षित नहीं है जैसा कि इनका कहना है। युवाओं की बात करें, योजनाएं बहुत हुई, युवाओं के लिए कुछ हुआ? युवाओं को धरातल पे कुछ नहीं मिला। आरपीएससी ने 19 भर्तियां कराई थी, वो सब की सब फेल हो गई, पेपर लीक हो गए, युवा आत्महत्या कर रहा है, युवाओं को कुछ भी नहीं। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कहा गया था सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार ने बेरोजगारी भत्ता उनको नहीं दिया और नहीं पूरी तरह से रोजगार दे पा रही है राजस्थान सरकार। अब कोटा में आप देख रहे हैं कि आए दिन युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं, उसका रीजन यही है कि सरकार प्रॉपर फेल है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, नहीं उनको संभाल पा रही है, उनको बेरोजगारी भत्ता भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दूसरी तरफ हमारे साथी कह रहे हैं विकास बहुत हुआ है। सब चीज़ों के बीच आती है कि स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, हमने अलवर शहर का दौरा किया और भी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, कहीं पानी की समस्या थी, यह दिक्कतें क्या हैं? यह सबसे मोटी दिक्कत है, जैसा अभी सरिस्का को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 27 जून 2023 को एक घोषणा करी थी, आज उन समय को निकले हुए, जैसा ये लोग तार्किक बातें करते हैं, मैं आपको दिन के हिसाब से तारीख के हिसाब से बता रहा हूँ। इन्होंने घोषणा करी थी कि पांडुपोल यदि जाएंगे तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कर नहीं दिया जाएगा। आज सवेरे मैं जाके आया हूँ, वहाँ पे लगभग 150 से 200 गाड़ियाँ एक बार वहाँ पे खड़ी हुई थी और सबको जजिया करके तहत वहाँ खड़ा कर रखा था। और इन्होंने वहाँ पे जब इनका खुद का जब वहाँ पे जाते हैं घूमने के नाम पे सैलानी और खुद का अधिकारी जाते हैं तो इनका कोई टाइमिंग नहीं है, यहाँ तक कि जो श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए इन्होंने टाइम भी तय कर रखा है कि आप 8 बजे से पहले नहीं जा सकते हो। इन्होंने जैसा अभी कहा कि जो बिल्डिंग वगैरह तोड़ने की जो चोरी, जो इन्होंने कहा कि अभी जो भ्रष्टाचार जो हुआ है बच्चों की, इसके लिए पेपर लीक के, इन्होंने किराएदार के मकान तोड़ दिए, जो मालिक था उसको इन्होंने आज तक पकड़ने की प्रयास नहीं किए। मेरी बिल्डिंग में कोई किराए पे कोई स्कूल चला रहा है, उस बिल्डिंग को तोड़ दा, चोर का कहां से वो किया? उन्होंने चोर को समर्थन देने के लिए उस गरीब की सरकार तो ये कह रही है कि हमने कानून बनाया और ऐसे ऐसे लोगों को जेल में पहुंचाया जो गुनहगार हैं। और दूसरा जैसा अभी इन्होंने कहा कि हम लोग लड़ाई करवाते हैं, जैसे भाजपा के लोगों के लिए ये कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, इन्होंने चूड़सीध में जाकर एक लवकुश वाटिका बनाई, जो उसमें आप और रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपसे और आपके पास भी रिकॉर्ड में, भंवर जितेंद्र ने कहा ये मेरा सपना था, इनका सपना राम रहीम वाटिका के लिए क्यों नहीं था? यदि वहां मुस्लिम हमारे जाते हैं, या तो मुसलमानों का जाना बैन करवाया जाए यदि इनको लगता है कि इनके लिए बहुत गलत बात है, या फिर उसमें गए तो ये लवकुश वाटिका की जगह राम रहीम वाटिका भी नाम रख सकते थे, जिससे दोनों समाजों के लिए सौहार्द की व्यवस्था होती और दोनों समाज बैठ के वहां पर बातें कर पाते। इन्होंने किसी प्रकार से ये जातिगत या कहें धर्म की बात छोड़ के अगर अपन और विकास की बात करें, क्षेत्र में ग्रामीण अंचल ग्रामीण विधानसभा में आता है, किसान को बिजली नहीं मिल रही, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, आपको क्या लगता है बिजली पर्याप्त आ रही है? नहीं, बिजली पर्याप्त नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस का जब राज रहता है ना, पता नहीं क्यों बिजली की शॉर्टेज आ जाती है, पता नहीं कंपनियाँ बनाना बंद करती हैं, देना बंद करती हैं, ये समझ में नहीं आता। और किसान को जो है जब ज़रूरत होती है तो ना तो बाहर से बिजली खरीदी जाती है ना ही उनको, अभी जैसे हमारे हम ग्रामीण इलाके की बात करें तो यहाँ प्याज सबसे ज़्यादा बोई जाती है और प्याज में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अब इतनी कम बिजली आ रही है कि प्याज धूप की वजह से पिल रही है, ख़राब हो रही है, अब उनमें से जो है आधी फसल ही हो पाएगी, आधी फसल नहीं हो पाएगी, तो बिजली की व्यवस्था ख़राब है। दूसरा अब ये सड़कों की बात करें, अभी जैसे थोड़ी बारिश हुई थी, ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन आप किसी भी गांव में जाकर देख लो उसमें कीचड़ ही कीचड़ मिलेगी आपको, मुख्य सड़कों पर कोई सड़कें नहीं बनाई गई, कहीं कीचड़ को। तो मुख्यमंत्री तो कहते हैं मैंने विधायकों को सड़कों के नाम पे इतने करोड़ों रुपए दे दिए, बजट बढ़ा दिया। नहीं, मुख्यमंत्री ने दिया होगा तो कहीं सड़कों पे तो आया नहीं है, हो सकता है बीच में ही कहीं उड़ गया हो, अलग बात है, लेकिन बारिश में आप लोग भी घूमे होंगे तो आपने देखा होगा कि कहीं भी सड़कें बनी नहीं है, हर गाँव में कीचड़ मिलेगी। इन्होंने काम किए तो ऐसे किए, प्रॉपर्टी डीलरों के काम इन्होंने किए, अधिकारी ऐसे लगा दिए जिनसे भाई ठीक है अपना भ्रष्टाचार मचा के रखा, उससे अभी जो नन्नूमल पहाड़िया जी कलेक्टर थे उनका स्थानीय विधायक का खेल चल रहा था, वो ट्रेप हुआ पकड़ा गया, सारी जितनी भी जो जमीन है अभी आप थोड़ा सा अगर आप जाके देखोगे ना सीली शेड का ओवरफ्लो का जो पानी जहाँ से आता है जो बहाव क्षेत्र है उसमें मंत्री ने खुद अपने आदमी से आर पार एक बिल्डिंग तैयार करा दी, दीवार खड़ी कर दी, तो ये कहाँ जाएंगे लोग, डूबेंगे क्या होगा जब ये ओवरफ्लो, ये तो खैर बारिश नहीं हो रही, बारिश होगी पानी चलेगा। आप देख के यहाँ से जाकर भ्रष्टाचार के हमेशा से आरोप लगते रहे, इन्होंने सही कहा, चाहे कलेक्टर ट्रैप मामला हो या और मंत्रियों पे लगते हुए विधायकों पर लगते हुए आरोप हो, क्या लगता है क्या भ्रष्टाचार हुआ है या वैसे ही बात हुई है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसीबी को सक्रिय कर दिया बढ़ने के बाद, जनता कहती है कि आरोप बिल्कुल सही है कि लगे हैं भ्रष्टाचार अधिकारी कर रहे हैं अपने स्तर पर, अधिकारी मैं हूँ और मैं क्या करता हूँ मेरे स्तर पर,
वो मेरी लाइबिलिटी होती है, उसमें मुख्यमंत्री और मंत्री की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। अगर ऐसा दोषी कर्मचारी है तो मुख्यमंत्री ने ये किया कि खुफिया भी सबको नंबर दिए गए कि हमें यहाँ सूचना दें, अलवर जिले में नहीं दें, सीधी जयपुर दें, और उन लोगों को धर दबोचा गया। माननीय नंदूमल पहाड़िया जी की जब बात आती है तो नंदूमल जी रिटायरमेंट के नज़दीक थे, यहाँ से बदली हो गई थी और रिलीव होने के बाद यहाँ रुके हुए थे। और आम आदमी जब गया तो आम आदमी का क्या काम सरकारी कार्यालयों में हुआ? बिल्कुल हुआ, पर कहीं जब वरिष्ठ कर्मचारी थे उन्होंने उस काम में बाधा पहुंचाई और उनको बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जन सुनवाई जो चलाई थी, ग्राम स्तर पर चलाई थी, फिर पंचायत समिति और जिले स्तर पर, उस जन सुनवाई में सब लोगों को काम हुए, ऐसा कोई नहीं है कि मेरा काम नहीं हुआ। जन सुनवाई में काम हुए, इनका ये कहना था, क्या लगता है कि गाँव स्तर पर जो मूलभूत किसी का बिजली का कनेक्शन है, किसी का और काम है, वो जरूरत की चीज़ें हुई? बिल्कुल पूरी पूरी 100% हुई है। और जो जन सुनवाई का कार्यक्रम था जो कतई फ्लॉप नहीं हुआ, जो अगर जो कोई नहीं लागू करवाए और कोई बात हो तो वो बात अलग है। और यहाँ पे जो विकास हुआ है तो कांग्रेस सरकार में हुआ है, टीकाराम जूली जी के द्वारा हुआ है। लगातार युवा पूरे कार्यकाल के दौरान ये चिल्लाते रहे कि भर्तियां कैंसिल हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या लगता है युवाओं के साथ सही हुआ? नहीं, सही, बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ने बिल्कुल अपनी जो टाइम टू टाइम भर्तियाँ निकाली है, लेकिन उसमें सरकार का दोष नहीं है कि अधिकारी बीच में लिप्त हो जाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, उससे सरकार बदनाम होती है। तो इसमें सरकार का तो कोई दोष नहीं है, सरकार ने तो सही टाइम पे सही भर्तियां निकाली, बीच में अधिकारी का सरकार का क्या दोष है? सरकार का क्या दोष है? आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि आपने देखा होगा, आप शहर में रहते हैं, नगर परिषद के चेयरमैन ट्रेप हुई, नगर परिषद का प्रतिपक्ष का नेता नरेंद्र मीणा रंगे हाथों रेड हैंडेड ट्रेप हुआ, उसका फोटो टीकाराम के साथ, भंवर जितेंद्र के साथ, जब वो जेल में था तो भी वहाँ लगा हुआ था, जेल से आ गया तो भी वहाँ था, कांग्रेस में उसको प्रमोट किया गया। क्या रेड हैंडेड जो पकड़े जाते हैं वो भ्रष्ट नहीं होते? क्या पार्टी का नहीं बनता था कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को दूर भगाए? तो ये कहाँ, ये साबित है कि मंत्री जो है खुद भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसने जो काम किया है सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, अपना भाई बैठा के रखा अधिकारियों को, और जो वैसे लोग थे किससे बात करनी, वह जाओ मुकेश से जाके बात करो, मुकेश उस पर जिस काम पे टिक कर देता तो वह ठीक है, वो काम हो जाता था। बाकी लोगों का आपने देखा होगा, आप सर्वे, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये तो अलग तरीके है, आप जाके बात करोगे क्या चलेगा पता, कि भाई ठीक है मुकेश से टिक करा लो काम हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार इतने चरम पे रहा, और कुछ चंद लोग जो भाई ठीक है उनकी एजेंडी का काम करते थे, उनके माध्यम से ही पूरे ग्रामीण, हर गाँव में या दो गाँव के या एक आदमी दो आदमी हर गाँव से जोड़ रखे, भाई ठीक है तुम ओके करो। भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन और साथी भी हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अब भी भाई ने एक आरोप लगाया था कि ये पॉलिटिकल है, आप पूछिए कि ये कांग्रेस से ही प्रधान थे, ये पॉलिटिकल नहीं है क्या? पहले आज अगर जो इनको कुछ नहीं मिला, ये भ्रष्टाचार करते थे, जिसका मुद्दा उठाया तो भग के चले गए। भ्रष्टाचार हुआ, कई तरह की बातें आई, पूरा क्षेत्र अलवर का देवभूमि के नाम से भी जान जाता है, यहाँ सभी तरह के समाज के लोग रहते हैं, लेकिन आए दिन लगातार विवादित सांप्रदायिक मामले सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार या नेता या लोग पॉलिटिकली अपना खुद का फायदा उठाने के लिए इस तरह का मामले? इन्हें ठेकेदार बैठा रखा है खुदन का, सुन ले, अधिकारी हैं जो इनका खुदन का बैठा है, ये खुद करवा रहा है। जब सरकार होती है, सरकार में कितनी ताकत रहती है, इन्हें खुदन का ठेकेदार बैठा रखा है, जनता क्या करे, रोध होकर आ जाए, जनता क्या करेगी? है? वो जो मतवाली बात है नगर परिषद का टेप होगा, उसके साथ फोटो है, सब कुछ है, सुनिए मेरी बात, कौन को पता नहीं है, सारी जनता को पता है, है? और फिर उनके साथ फोटो है, और इस तरीका के काम करने से सारी दुनिया को पता है, अब जो चुनाव होने जा रहे हैं पता लग जाएगा। बिल्कुल, चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें पता लगेगा। और ये थे हमारे साथ थे हमारे जोशीले अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोग, जिन्होंने अपनी बात रखी, यहाँ के क्षेत्र की समस्याएं रखी, और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह के काम यहाँ हुए और होने चाहिए थे, और निश्चित ही आने वाले चुनाव के दौरान ये साफ होगा कि जनता किसे पसंद करती है। आज तक और राजस्थान तक के लिए अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से मैं हिमांशु शर्मा।